आज कथा का तृतीय दिवस है। तीन पत्र की बेलपत्र, त्रिशूलधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिकालदर्शी भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा और सावन का महीना, उसका तृतीय दिवस। ये हमारे जीवन में भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त करने का एक मौका है और ये बार बार नहीं मिल सकता। ये बार बार नहीं मिलेगा। भिलाई वालों सोचे कि हमारे भिलाई में तो पहले भी दो तीन बार कथा हो गई है, ये चौथी बार कथा हो रही है। तो भिलाई वालों को तो सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए, नाचना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए कि हमारे ऊपर शिव जी की कितनी कृपा। भगवान देव अधिदेव महादेव की कितनी करुणा, कितनी उदारता। एक गुरु, केवल अपने शिष्य को तारता है। एक गुरु का काम है अपने शिष्य को पार लगाना। एक गुरु का काम है अपने शिष्य को मंजिल तक पहुंचाना। एक गुरु केवल और केवल अपने शिष्य को तार देता है, शिष्य को मंजिल तक पहुंचा देता है। गुरु केवल शिष्य को मंजिल तक भेजता, केवल शिष्य। गुरु अपने शिष्य को मंजिल तक पहुंचा देता है, पर यदि अपने घर में, यदि अपने नगर में, अपने घर में, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में, मान लो कोई शंकर का भक्त, कोई शिव को जल चढ़ाने वाला, कोई शिव का गुणगान करने वाला, कोई शंकर का भजन करने वाला, कोई शिव स्मरण करने वाला, कोई शंकर भगवान की अविरल भक्ति को जानने वाला यदि पैदा हो जाता है हमारे घर में, कोई शंकर का गुणगान करने वाला, शिव स्मरण करने वाला, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाला, शिव भक्ति में डूबने वाला यदि जन्म ले लेता है, गुरु केवल शिष्य को पार लगाता है। पर हमारे घर में अगर एक शिव भक्त जन्म ले लेता है तो वह हमारे कई कुलों को पार लगा देता है, कई पीढ़ी को पार लगा देता है। एक पीढ़ी नहीं, ना जाने कितनी कितनी पीढ़ियां, ना जाने कितना कितना कुल हमारा पार उतर जाता, कितनी पीढ़ियां पार उतर जाती। हमने पहले भी कहा है कि उज्जैन में ऋण मुक्तेश्वर मंदिर पर पत्थर से अंकित है कि शिव महापुराण की कथा सुनने वाला एक पीढ़ी पार नहीं होती। हमने कई बार कथाओं में कहा कि उसकी 71 पीढ़ी पार उतर जाती है। एक पीढ़ी से तो मतलब ही नहीं रखा। गुरु केवल शिष्य को पार लगा सकता, और कोई भी गुरु होगा वो अपने शिष्य को पार लगाने का प्रयास करे। एक गुरु अपने शिष्य को पार लगा देता है, पर घर में, परिवार में, कुल में, कुटुंब में कोई ऐसा शिव भक्त, भगवान शंकर का भजन करने वाला, भगवान शिव का स्मरण करने वाला,
कोई शिव भक्त हमारे घर में जब जन्म ले लेता है तो वो केवल खुद को तारता नहीं, खुद को पार उतारता नहीं, वो ना जाने कितनी कितनी पीढ़ियों को पार उतारता, कितनी कितनी पीढ़ी। और यहां तो शास्त्र कह रहा है कि एक दो पीढ़ी से तो मतलब ही नहीं रखा। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई मेरी बहन, यहां जितने बैठे हैं और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, ये सब आपके चित्त वृत्ति में बिठा कर रखिएगा कि आप सहज नहीं हैं। आप सहज नहीं हैं। सारी कथाओं को सुनना सरल है, भागवत सुनना सरल है, रामायण सुनना सरल है, भागवत पढ़ना सरल है, रामायण पढ़ना सरल है, सारे पुराणों को पढ़ना सरल है, सारे पुराणों को सुनना सरल है, सारे पुराणों का मनन चिंतन करना सरल है। परशु महापुराण वेदव्यास जी खुद लिखते हैं, 18 पुराण में से एक पुराण शिव पुराण ऐसी है कि वेदव्यास जी लिखते हैं कि शंकर को कोई नहीं जान सकता और शिव महापुराण को जानना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। कितने कितने जन्म कितने कितने जन्म और भाग्यशाली और भिलाई वाले और भाग्यशाली आस्था चैनल पर कथा सुनने वाले। सावन का जो महीना जिसमें आप कथा सुन रहे हो, सावन का ये महीना जिसमें आप कथा श्रवण कर रहे हो, सावन का ये महीना जिसमें आप भगवान शंकर की अवर भक्ति को धारण कर रहे हो, सोमवार से सावन चालू हुआ और सोमवार के दिन सावन विराम होगा, ऐसा सावन 72 साल के बाद आया। 27 जुलाई 1953 में ऐसा सावन पड़ा था। कितनी तारीख को जम के बोलो जरा। 27 जुलाई 1953 में ऐसा सावन पड़ा था जो सावन सोमवार से चालू हुआ था और सावन सोमवार के दिन विराम हुआ था। 72 साल के बाद ऐसा सावन आया है जिसका योग आज है। 27 जुलाई 1953 में ऐसा सावन आया था। अब जरा किस्मत देखिए, आपका भाग्य देखिए रे छत्तीसगढ़ वालों, नजर उतरवा लेना आप कि 72 साल बाद ऐसा सावन आया जो सोमवार से चालू हुआ, सोमवार को विराम हो रहा है। 27 जुलाई 1953 में ऐसा सावन आया था और उसके बाद आज ये सावन 22 तारीख से चालू हुआ और 19 तारीख को विराम होगा और उसमें भी सोमवार से चालू हुआ और सोमवार को विराम हो रहा है। ये शिव भक्ति है, ये अभिनंदन, ये भगवान शंकर की अविरल भक्ति है। आप और हमको प्राप्त हुई, हमें मिली और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से अनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का चपटी बहुत में खजाना कुबेर का हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू आयो शरण तेरा शंभु तार तार कहते हैं। सोमवार से प्रारंभ होने वाला सावन और सोमवार के दिन विराम होने वाला सावन हमारे मनवांछित फल की प्राप्ति कराता, मनवांछित फल। इसी
ये जो सोमवार से सावन प्रारंभ होता है, सोमवार के दिन विराम होता है, इसी सावन में भगवान शिव ने अघोर अस्त्र धारण किया था। इसी सावन में एक त्रिपुरासुर असुर हो गया, तीन पुरियों का निर्माण कर कर वो निवास कर रहा। बड़ा विचित्र है वो, लोहे की, तांबे की, सोने की पुरियों का निर्माण उसने करा और उसका वो निवासी हो गया, उसमें वो निवास कर रहा। त्रिपुरासुर जैसे एक असुर का संहार कर भगवान शिव जी का नाम त्रिपुरारी हो गया था। पर वो त्रिपुरारी ऐसे ही नहीं हो गया, बहुत सावन आते हैं, सारे सावन आते हैं, हर वर्ष सावन का महीना आता है, हर वर्ष श्रावण का सोमवार भी आता है, हर वर्ष प्रदोष भी आती है, हर वर्ष शिवरात्रि भी आती है सावन की, हर वर्ष अष्टमी भी आती है, छठ भी आती है, सब तिथियां आती हैं। ये सारी तिथियां हर साल आएंगी, हर साल प्राप्त होंगी, पर जो योग मेरे देव हृदय महादेव का लगा है सोमवार से प्रारंभ होकर सोमवार के विराम का, ये सावन बार बार नहीं आता, ये सावन इतनी जल्दी नहीं आता, जो 72 वर्ष के बाद 27 जुलाई से 1953 के बाद में आज योग लगा, जो 22 जुलाई 2024 में प्रारंभ हुआ, बहुत बहुत ना जाने कितने कितने कितना कितना साधना तप आराधना का फल इस सावन के महीने में प्राप्त हो जाता, ना जाने कितने कितने फल इस सावन के महीने में हमें प्राप्त हो जाता। ऐसे ही नाम नहीं पड़ गया, और भिराई के इस्पात नगरी के सभी श्रोता भाई बहनों से कहूंगा कि इसीलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आप किस्मत वाले हो, आप भाग्यशाली हो। क्यों बार बार बोल रहे हैं? क्योंकि उसका एक ही कारण है कि 72 साल बाद ऐसा सावन आया और उस सावन में आपको शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य। मैं श्री दया सिंह जी को और उनकी जो समिति है बोलबम सेवा कल्याण समिति, मैं दया सिंह जी आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि लखनऊ की कथा पंडाल में पानी भराया और पूरे पंडाल में घुटने घुटने कीचड़ हो गया और वो कथा कैंसिल हुई, और आपके पास एक लिस्ट होती है जिसमें लिखा होता है कि तत्काल जो कथा लेना चाहता उसकी लिस्ट में आपका नाम था और आपको पहले ही फोन लगा था और आपने उसको स्वीकार करा। हम तो कहते हैं कि भाग्य से ये 72 वर्ष बाद ऐसा एक तो सावन मिला और उसमें भी शिव महापुराण की कथा। धन्यता साधु, बहुत बहुत साधु, कृपा शिव की। कई तर गए कैयानु तर जाना, बाबा जी था का नाम जपिया। ना जाने कितने पार उतर गए, कितने चले गए। हाँ थोड़ा कष्ट भिलाई वालों तुमको जरूर होगा, क्योंकि छाता लगाकर बैठना पड़ेगा, पंडालों में जगह नहीं है। थोड़ा कष्ट जरूर होगा कि दुकानों में कहीं बैठना पड़ सकता है, छाता लगाकर बैठना पड़ सकता है, कहीं गीले में बैठना पड़ सकता है, ये जरूर हो सकता है।
पर तीन कथा छत्तीसगढ़ को मिली है। आप भिलाई नहीं पहुंच सकते, अपने पास की कथा में पहुंचो, वहां नहीं पहुंच सकते उसके पास की कथा में पहुंचो, पर कथा का लाभ जरूर। यही सावन का महीना, सोमवार से सोमवार तक का यही श्रावण। एक त्रिपुरासुर असुर हो गया, तीन पुरियों का निर्माण में वो रहता, तीन पुरियां को बनाकर वहां निवास करता, किसी से नहीं मरता। भगवान नारायण ने प्रयास करा कि इस त्रिपुरासुर का वध कर दूं, पर नहीं मर। ब्रह्मदेव ने विचार करा कि इस त्रिपुरासुर का वध कर दूं, नहीं मर। आखिरी में खबर गई भगवान देवदत्त महादेव के पास, भगवान शिव जी के पास। भगवान देवदत्त महादेव, मेरे महाकाल राजा, मेरे कालाधिपति, मेरे ओमकारेश्वर, मेरे विश्वनाथ, मेरे परली वेदनाथ, मेरे वेद्यनाथ ओगरदानी, मेरे केदारेश्वर, भगवान शिव विराजमान थे, नेत्र बंद थे भगवान शिव, और सबने, सारे देवताओं ने जाकर भगवान शिव से विनय करी, निवेदन करी, भगवान देवदत्त महादेव से निवेदन। और जब भगवान शंकर से निवेदन किया, भगवान शिव से विनती करी, भगवान शंकर से बारंबार जब प्रार्थना करिए, भगवान शिव से बार बार विनय किया गया, तब भगवान शंकर ने नेत्र खोले, और भगवान शिव नेत्र खोलकर पूछे, ऐसा क्या हो गया जो आपको आना, ये 33 कोटि देवता, ये सारे देव आज मेरे पास में, कारण क्या बन गया, कौन सा कारण? यदि आपसे कोई पूछे कि भगवान शंकर के गले में वासुकी नाग आया, भगवान शंकर के हाथ में त्रिशूल आया, भगवान शंकर के मस्तक पर गंगा आई, भगवान शंकर के मस्तक पर त्रिपुंड आया, भगवान शंकर के नेत्र दो थे तीन हुए, त्रिनेत्री धारी कहलाए, त्रिपुंडधारी कहलाए, भगवान शंकर के पास बेलपत्र आई, कोई तुमसे कहे कि शिवजी के गले में रुद्राक्ष आया, भगवान देवदत्त महादेव के पास रुद्राक्ष आया, कोई तुमसे पूछ ले कि यह रुद्राक्ष का प्रागट्य कब का है, रुद्राक्ष का जन्म कब हुआ, रुद्राक्ष प्रकट कब किया गया, अब जरा बहुत हमसे भी कई लोग पूछते हैं, जितने लोग संसार के प्रश्न उठाते हैं कि रुद्राक्ष में ऐसा क्या है, रुद्राक्ष में ऐसा क्या हो जाता है कि रुद्राक्ष का जल अमृत के तुल्य हो जाता है और कैंसर जैसा रोग भी समाप्त हो जाता है। रुद्राक्ष के जल में ऐसा क्या है, एक माने पत्र में लिखा है कि मैं बबली कोरी भिलाई निवासी हूं, मेरी बहू ललिता कोरी, आयु जिसकी 33 वर्ष है, कहीं बैठी हैं क्या, बबली कोरी भिलाई निवासी हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं, मैं बबली कोरी भिलाई निवासी, मेरी बहू ललिता कोरी, आयु 33 वर्ष, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं, दिख गई क्या, आ जाओ एक बेलपत्र ले जाना बहू के लिए, आ जाइए, मेरी बहू जिसका 33 वर्ष की आयु है, जिसकी 3 बेटियां हैं, और मेरी बहू को सबसे छोटी बेटी होने के बाद उसके पेट में दर्द होने लगा, डॉक्टर को दिखाया, सभी टेस्ट हुआ तो पता चला कि सूजन है,
पर बेटी मेरी बहू का पेट दर्द बंद नहीं हुआ, तब हमने दूसरे हॉस्पिटल में उसको दिखाया, दिखाने पर सीटी स्कैन करवाया, एक्सरे करवाए, ब्लड की जांच हुई, सोनोग्राफी हुई और फिर लेप्रोस्कोपी टेस्ट से पता चला कि उसके लीवर में कैंसर हो गया है। जब लीवर में कैंसर हो गया उन्होंने एम्स हॉस्पिटल रायपुर रेफर कर दिया, लेकिन मेरी बहू को सीरियस कंडीशन हो गई और वो ठीक नहीं हो पाई। धीरे 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 उसका स्वास्थ्य और खराब होता चला गया। उसको डॉक्टर ने फिर बता दिया एम्स में कि इसको लास्ट स्टेज का कैंसर है। अपनी तीन बेटियों को घर में रखकर दादी दादा के पास में बेटियों को छोड़, बेटी शरीर ठीक नहीं, लास्ट स्टेज का कैंसर जिसका मैं फोटो भी लगा रही हूं, फोटो का आप लेडी पर देख सकते हैं, जिसका मैं फोटो लगा रही हूं, लास्ट स्टेज का कैंसर डॉक्टर बता दिए। तब हमने डॉक्टर से पूछा कि इसका हल क्या है, डॉक्टर ने कहा इसका कोई हल नहीं है और फोर्थ स्टेज का कैंसर है, मतलब ये शरीर अब रहने वाला नहीं। तब हमने डॉक्टर से कहा आप अपना काम करो, अब हम भोलेनाथ पर आश्रित होंगे। और हम क्या वर्णन करें गुरुदेव, सीहोर से रुद्राक्ष बुलवाया जिसको पानी में गलाते, बुधवार की अष्टमी का हमने प्रयोग करा और एक बेलपत्र ले जाकर अपनी बहू के पलंग पर रख देते, रुद्राक्ष का पानी उसके होठों पर लगा देते, बुधवार की अष्टमी का प्रयोग हमने करना प्रारंभ करा और मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ आज मेरी बहू ठीक है और अपने घर पर है, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। एक शिव तत्व के प्रति लोग कहते हैं रुद्राक्ष में ऐसा क्या होता है, उसको समझना है हमको। उसको हमें जानना है कि आखिर रुद्राक्ष भगवान शंकर के करीब में रहने वाला शिव का एक अंश रुद्राक्ष इतना बलवान क्यों होता है, वो रुद्राक्ष इतना बलवान क्यों है, उस रुद्राक्ष में इतना बल कैसे आ जाता है, वो रुद्राक्ष इतना श्रेष्ठ कर क्यों हो जाता है। और फिर निवेदन है, इस बहन ने लिखा डॉक्टर अपना काम करते रहे और हम शिव की स्तुति करते रहे, आखिरी तो वही है ना। और फिर कहेंगे डॉक्टर शंकर का एक रूप होते हैं, हमने अपनी व्यासपीठ से बार बार ये बात कही है डॉक्टर शिव का एक रूप है। आपको अगर तकलीफ होती है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाइए, शिव रूपी डॉक्टर आपको बता दे कि आपको ये तकलीफ है, फिर जो दवाई दे उस दवाई को कौन से महादेव का नाम लेना है, जम के बोलो जरा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लीजिए और उस दवाई को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाना प्रारंभ करिए, मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे को ठीक करना प्रारंभ कर दे। डॉक्टर भी शिव का एक रूप, शरीर में जब कष्ट है, शरीर में जब तकलीफ है तो सबसे पहले अपने प्राथमिक उपचार केंद्र में जाइए, डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर के पास पहुंचकर फिर वो जो जांचे बोले जांच कराओ, वो जो जैसा बोले वैसा करो, पर साथ में शंकर का विश्वास अटल कर कर बैठो, साथ में शिव पर भरोसा प्रबल करो, एक प्रबल भरोसा आपके भीतर, एक प्रबल। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी बाबा, डोर हल्को छड़ी ना मैं कटी जावानी, भोले मैं तेरी मत शंभो मैं तेरी मत, हवा में छोड़ती जावानी।
बामा डोर हतो छदीना में कटी जा। शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का संवाद कर, उस रुद्राक्ष में इतना बल कैसे आ जाता है, उस रुद्राक्ष में इतनी इतना इतना बल, उस रुद्राक्ष में इतनी आनंदता, उस रुद्राक्ष में इतनी औषधि कैसे आ जाती, कैसे। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा, भगवान देवदत्त महादेव का चरित्र का, शिव महापुराण की कथा कर रही है। त्रिपुरासुर असुर है, तीन पुरियों का निर्माण कर उसमें निवास करता है। तीन पुरियों का निर्माण कर उसमें निवास करता है, पर उसके प्राण जा नहीं सकते। भगवान नारायण ने प्रयास किया, वो नहीं मरा, प्राण नहीं छूटे। भगवान शिव ने, भगवान ब्रह्मा ने, भगवान ब्रह्मदेव ने भी प्रयास करा, पर उसके प्राण नहीं छूटे। आखिरी में भगवान शंकर के पास सूचना पहुंच गई, भगवान शिव के पास सूचना, आखिरी में भगवान शंकर के पास सूचना पहुंची, भगवान शिव के पास। और सब देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति करी, भगवान शंकर की। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम, शिव की स्तुति करी। यही बेटी है ललिता, बबीता कोरी इनकी सास है, और ये ललिता कोरी 33 वर्ष की आयु। तीन बेटियां हैं, आखिरी की बेटी छोटी वाली का जन्म हुआ तब फोर्थ स्टेज का कैंसर और डॉक्टर ने मना कर दिया, आखिरी क्षण बचाना, बचना मुश्किल है। तब शिव की करी भक्ति, भगवान शंकर का स्मरण कर, और शिव के स्मरण से बेटी कह रही है आज मैं जिंदा खड़ी हूं, ये शिव की कृपा, ये उसकी कृपा। निर्मल भाषित शोभित ब्रह्म मुरारी सुराजित निर्मल भाषित शोभित लिंगम दुख विनाशक तत्प्रणमामि सदा शिव लिंगम ब्रह्म मुरारी सुराजित निर्मल भाषित शोभित। सब देवता भगवान शिव की स्तुति कर रहे हैं, हे शिव, हे शंकर, हे करुणा सागर। ये त्रिपुरासुर है, इस त्रिपुरासुर का वध करना है, और वो आपके सिवा कोई नहीं कर सकता। आप आइए सम्मुख में, इसका वध करें। देव मुनि प्रवता
देव मुनि प्रवराजित कम कम धरन करुणा कर लिंगम रावण विनाशक लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिव लिंगम रावण शंभो तत् प्रणमामि सदा शिव लिंगम ब्रह्म मुरारि सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम ब्रह्म मुरारि सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम। भगवान शिव नेत्र बंद करे, देवता स्तुति कर रहे, सब हो रहा हाहाकार मच रहा। तब देवऋषि नारद बोले, शिव को प्रसन्न होना ही पड़ेगा, आप चिंता ना करें, पुकारो शंकर को। सर्व सुगंध सुलेपित लिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम सर्व सुगंध सुलेपित लिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम सिद्ध सुरासुर मंदित तत् प्रणमामि सदा शिव लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिव लिंगम ब्रह्म मुरारि सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम ब्रह्म मुरारि सुरार्चित निर्मल भाषित। किस किस से कहें भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए, गंधर्व देव असुर सब भगवान शिव के सम्मुख में। एक असुर को, त्रिपुरासुर को मारना, एक असुर त्रिपुरासुर का संहार। नारायण नहीं करेंगे, ब्रह्मा नहीं करेंगे, इंद्र के बस की बात नहीं है, करेंगे तो देव अधिदेव महादेव कोई नहीं। कनक महामणि भूषित लिंगम फणिपति वेशित शोभित लिंगम कनक महामणि भूषित लिंगम फणिपति वेशित शोभित लिंगम दक्ष सुयज्ञ विनाशक लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिव लिंगम दक्ष सुयज्ञ विनाशक लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिव लिंगम ब्रह्म मुरारि सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम ब्रह्म मुरारि सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम निर्मल भाषित शोभित। भगवान शिव से कह रहे शंकर प्रकट हो, शिव प्रकट हो। भगवान शंकर नेत्र खोले, भगवान शिव ने अपने नेत्र खोले। भगवान शंकर अपने नेत्र खोलते हैं,
क्या चाहते हो प्रभु? त्रिपुरासुर का वध चाहते हैं। शिवजी ने कहा त्रिपुरासुर को मारने के लिए तो मुझे भी कुछ बल की जरूरत पड़ेगी। तब दुनिया का सबसे बड़ा तप कौन सा है? जम के बोलो जल्दी से। दुनिया का सबसे बड़ा तप और दुनिया का सबसे बड़ा आभूषण मौन रहना, ये दुनिया का सबसे बड़ा तप और सबसे बड़ा आभूषण है। चुप रहना दुनिया का सबसे बड़ा आभूषण है, मौन रहना, और दुनिया का सबसे बड़ा तप है चुप रहना, मौन रहना, एकदम स्तब्ध रहना। पर महाराज हम खाए बिना रह जाएं पर बोले बिना नहीं रह सकते, कैसे रह सकते? पर दुनिया का सबसे बड़ा आभूषण है चुप रहो, मौन रहो। जिस दिन तुम्हारा व्रत है उस दिन थोड़ी साधना करिए, थोड़ा चुप रहिए, मौन रहो। उपास करो ना करो, खाओ ना खाओ, पर निवेदन है कि अपने वाणी को कुछ शांति दीजिए।